बोलो, भारत माता के जय बोलो, जय श्री राम बोलो, सुअर का मीट खिलाओ। अच्छी तरह का तो पहले भारत माता की जय बोल। आज के समय में इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिसमें लोग या तो औरों को वंदे मातरम या जनगण मन गाने के लिए बोल रहे हैं या फिर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए। लेकिन इससे ये सवाल पैदा होता है कि इन चीजों के बोलने से क्या होगा और ये ही सवाल क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है इसको समझने के लिए हमें तीन चीजों को देखना और उनपे सोचना चाहिए। पहला, राष्ट्र की कल्पना। दूसरा, इंडिया और इंडिया में राष्ट्रवाद का इतिहास। और तीसरा, आज के समय में इंडियन होने का मतलब। राष्ट्र की कल्पना के बारे में सोचने के लिए मुझे लगता है एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह हम विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक बेनेडिक्ट एंडरसन की 1983 में लिखी हुई किताब इमेजिन कम्युनिटीज, हिंदी में काल्पनिक समुदाय, को ले सकते हैं। इस किताब में वो राष्ट्र की कल्पना की शुरुआत को देखते हैं। हालांकि उनकी किताब ज्यादातर यूरोप में राष्ट्रवाद को देखती है, मुझे लगता है कि हम वही आइडियाज इंडिया में भी देख सकते हैं। एंडरसन राष्ट्र का डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि द नेशन इज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड इमेजिन्ड एज बोथ इनहेरेंटली लिमिटेड एंड सोवरेन। हिंदी में राष्ट्र एक काल्पनिक राजनैतिक समुदाय है और इसकी कल्पना स्वाभाविक रूप से सीमित और स्वायत्त है। इस डेफिनेशन में चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, काल्पनिक। वो राष्ट्र को काल्पनिक कहते हैं क्योंकि राष्ट्र का हर एक इंसान हर दूसरे इंसान को नहीं जानता, ना वो कभी उनसे मिल सकता है ना ही बातचीत कर सकता है, लेकिन हर इंसान फिर भी अपने देश के हर दूसरे इंसान के प्रति एक भाईचारा महसूस करता है जो कि काल्पनिक है। दूसरा, सीमित। वो देश को सीमित बताते हैं क्योंकि कोई भी देश तब तक ही मौजूद है जब तक उसकी सीमा के बाहर और देश मौजूद है। दूसरे शब्दों में, हर देश की सीमा होती है। कोई भी देश खुद के भीतर सारी इंसानियत के होने को नहीं मानता। तीसरा, स्वायत्तता। एंडरसन कहते हैं कि राष्ट्र की कल्पना एक ऐसे युग में हुई जिसमें शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ लोक क्रांतियां, जैसा कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो चुकी थी। लोग ये समझ गए थे कि राजा महाराजा देवदूत नहीं है बल्कि और सबकी तरह इंसान है। इसीलिए एंडरसन कहते हैं कि राष्ट्र की कल्पना इंसानी आजादी से जुड़ा हुआ है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश की कल्पना और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्रता की कल्पना एक दूसरे से निकल के आती है। और आखिरी, एंडरसन देश को एक समुदाय बताते हैं क्योंकि देश के भीतर भले ही लोगों में बहुत प्रकार की असमानताएं और भेदभाव हो, यह माना जाता है कि देश के सारे लोग एक दूसरे के साथ एक भाईचारा महसूस करते हैं जो कि उन्हें एक समुदाय बनाता है। एंडरसन ये भी कहते हैं कि राष्ट्रवाद और देश की कल्पना के पीछे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और प्रिंटिंग की लोकप्रियता का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसको वो प्रिंट कैपिटलिज्म या प्रिंट उद्योग पे आधारित पूंजीवाद कहते हैं। जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई थी तो उसका इस्तेमाल बड़े तौर से सत्ता के लोगों की सोच को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि यूरोप में बाइबल, और इसकी भाषा भी सत्ता की भाषा थी जो उस समय यूरोप में लैटिन थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जो पब्लिशर्स थे उनको ये समझ आया कि अगर वो लोगों की बोलचाल की भाषा में किताबें प्रिंट करेंगे तो वो एक ज़्यादा बड़ी जनता तक पहुंच सकते हैं, और जिसका मतलब यह भी था कि वो एक ज़्यादा बड़े मार्केट से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे किताबों की पब्लिशिंग और उनकी बिक्री में बहुत बढ़ोतरी हुई और दोनों पब्लिशर्स और इतिहास को बहुत फ़ायदा हुआ। राष्ट्रवाद के संदर्भ में एंडरसन कहते हैं कि इस बढ़ोतरी के तीन बड़े प्रभाव थे। पहला, जैसे इंडिया में हर कुछ दूरी में भाषा और उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, ठीक वैसे ही बाकी दुनिया में भाषा अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बोलते और इस्तेमाल करते थे। जो लोग एक दूसरे की बोली उनके बोलने और उच्चारण की वजह से शायद नहीं पहचान पाते, वो लोग उसी भाषा को पढ़ कर समझ जाते थे।
प्रिंटिंग और किताबों की लोकप्रियता की वजह से धीरे धीरे भाषाओं में एक रूपता बढ़ने लगी। इसी के साथ लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनकी भाषा बोलने और पढ़ने वाले और भी लोग हैं, और इससे उनमें एक ऐसी समुदाय की कल्पना बनी जो उनकी भाषा बोलता है, जिसको एंडरसन अपने काल्पनिक समुदाय की शुरुआत बताते हैं। दूसरा, प्रिंट कैपिटलिज्म ने भाषा में एक रूपता लाने के साथ साथ कुछ भाषाओं को राजनैतिक रूप से और शक्तिशाली बना दिया, खासतौर जो प्रिंट किए हुए किताबों की भाषा के आसपास थे। इंडिया में इसका प्रभाव देखना आसान है। हम सब बहुत सारे भाषाएं जानते हैं जो हम घर पे बोलते हैं, लेकिन उसको हम किताबों में नहीं पढ़ते। तीसरा, प्रिंट कैपिटलिज्म ने भाषा को एक नया स्थायी आकार दिया। इतिहास में भाषा को कभी भी इतनी एकरूपता से नहीं देखा गया था। इसका मतलब है कि 15वीं सदी के कोई इंसान को 14वीं सदी के इंसान के बोल इतने आसान तरीके से उपलब्ध नहीं थे जो कि किसी 19वीं सदी के इंसान को हो, जो कि दोनों के बारे में किताबों में पढ़ रहा हो। इसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये लगने लगा कि भाषा हमेशा से एक समान रहा है, और इससे हमारे लिए इतिहास की कल्पना भी और समरूपी बन गई। इस दृष्टिकोण का बदलाव हमारे मॉडर्न जमाने में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की पैदाइश के लिए बहुत जरूरी रहा, क्योंकि इतिहास और हम उसको किस तरीके से देखते हैं देश की कल्पना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 1990 में एक और प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक एरिक जे हॉब्सबॉम ने अपनी किताब नेशंस एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 हिंदी में 1780 से राष्ट्र और राष्ट्रवाद में समझाया कि इतिहास का पूर्ण निर्माण यानी कि उसको वापस से लिखना राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का आइडिया हमेशा सत्ता से या समाज के ऊपरी भाग से आता है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए समाज के बाकी जनों का सहयोग जरूरी है। इतिहास इस सहयोग की बुनियाद भी बनाता है और इस सहयोग को बनाए भी रखता है। इसी वजह से इतिहास वापस लिखा जाता है या उसका पूर्ण निर्माण किया जाता है कि वो राष्ट्र की कल्पना का सहयोग कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही इतिहास को इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग तरीके से देखता है। जिसको हम पार्टीशन या विभाजन की तरह देखते हैं, वहां उसको उनके राष्ट्र के जन्म के तरीके से देखा जाता है। कौन सही या गलत है ये कहना ही मुमकिन नहीं है। दोनों देश एक ही ऐतिहासिक घटना को दो अलग तरीके से देखते हैं और उसको अपने आने वाले पीढ़ियों को उस तरीके से सिखाते हैं। अब जब हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के जन्म के बारे में और इतिहास के साथ उसके रिश्ते के बारे में जान गए हैं, हम इंडिया के संदर्भ में अब इसे और बारीकी से देख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इंडिया के इतिहास को किस तरीके से देखा गया है। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं।